चलो बेटा, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। सो कम टू द पॉइंट प्लीज। इन यस्टरडे आई मीन ऑन द लास्ट डे वी आर एट द स्टेज ऑफ लंग कैपेसिटी। वी आर ऑलरेडी स्टडीड लंग वॉल्यूम्स को हमने स्टडी कर लिया। आज हम स्टडी करते हैं लंग कैपेसिटी। लंग कैपेसिटी, व्हाट इज लंग कैपेसिटी? ये जो हमारा लंग्स है इसके अंदर हम दो प्रकार की कैपेसिटी देख सकते हैं, है ना। पहली कैपेसिटी है TLC, टोटल लंग कैपेसिटी, और दूसरी कैपेसिटी होती है VC, वाइटल कैपेसिटी। ऐसे हमारा जो मानव का लंग है, ये लंग में दो भिन्न प्रकार की कैपेसिटी को हम स्टडी कर सकते हैं, और उसमें से पहली कैपेसिटी का नाम है TLC और दूसरा है वाइटल कैपेसिटी, राइट। इन ह्यूमन बॉडी, इन ह्यूमन बॉडी वी कैन स्टडी, इन ह्यूमन बॉडी वी कैन स्टडी टू डिफरेंट कैपेसिटीज, टू डिफरेंट कैपेसिटीज, दो अलग अलग प्रकार की कैपेसिटी को हम स्टडी कर सकते हैं। दैट इज कौन से दो कैपेसिटी है वो? नंबर वन टोटल लंग कैपेसिटी। दिस टोटल लंग कैपेसिटी इज कॉल्ड एज TLC, एंड द सेकंड कैपेसिटी वाइटल कैपेसिटी। और ये जो वाइटल कैपेसिटी है इसको कहते हैं VC। इस प्रकार हमारा जो लंग है इसके अंदर दो प्रकार की क्षमता है, दो प्रकार की कैपेसिटी है। पहली कैपेसिटी का नाम है टोटल लंग कैपेसिटी और दूसरी वाइटल कैपेसिटी। सो दोनों में क्या फर्क है वो हम देखेंगे। लेट अस स्टडी वन बाय वन। पहला हम पढ़ेंगे टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी जिसको हम कहते हैं TLC, है ना। देखो ये हमारा बेटा ये लंग है, एंड ये वाला दूसरा लंग है, राइट एंड लेफ्ट लंग। ये दोनों लंग मिलाकर हम जब मैक्सिमम फोर्सफुल इंस्पायर करेंगे, अधिक का से अधिक प्रयास करेंगे बाहर का ऑक्सीजन लेने के लिए, है ना। फोर्स लगाएंगे हम, फोर्सिबली वी आर ट्राइंग टू गेट द मैक्स अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ऐसा तो ये कितना मैक्सिमम एयर को हम होल्ड कर सकता हमारा लंग, उस कैपेसिटी को कहते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। और ये कैपेसिटी होती है 5200 से लेकर 5800 ml। इतना एयर हम इंस्पायर कर सकते हैं मैक्सिमली, फोर्सिबली, है ना। फिर संसार का कोई भी मानव, अब इसमें वॉल्यूम, इसमें जो कैपेसिटी है वो बढ़ भी सकती है, है ना। इट डिपेंड अपॉन द लाइफस्टाइल ऑफ दैट इंडिविजुअल। वो इंडिविजुअल की लाइफस्टाइल कैसा है, अगर हर दिन वो कोशिश कर रहा है रामदेव बाबा, तो उसका TLC हमारे से ज्यादा ही है, क्योंकि एवरीडे वो अब दोनों लंग को इंस्पायर करने के लिए मजबूर कर दे रहा है ना, फोर्स दे रहा है दोनों लंग के ऊपर, ताकि अधिक से अधिक हवा उसके लंग में होल्ड की जाए। इसको कहते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। सिंपल भाषा में इसकी डेफिनेशन, द टोटल अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड मैक्सिमली आफ्टर फोर्सफुल इंस्पायरेशन इज नोन एज टोटल लंग कैपेसिटी, एंड इट्स वैल्यू इज फाउंड टू बी 5200 to 5800 ml। इतना
हमारा टीएलसी होता है हम सबका, है ना, संसार के वालों का नॉर्मल है ये, इतनी कैपेसिटी है, मगर हम इसको बढ़ा सकते हैं, है ना, राइट डाउन व्हाट इज टीएलसी अंडरलाइन डैश द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी होल्ड, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी होल्ड इन द लंग्स, इन द लंग्स आफ्टर अ, आफ्टर अ मैक्सिमम एंड आफ्टर अ मैक्सिमम एंड फोर्सफुल इंस्पायरेशन, आफ्टर अ फोर्सफुल इंस्पायरेशन इज नोन एज टोटल लंग कैपेसिटी। एक बार फिर देख लो, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी होल्ड इन द लंग आफ्टर अ मैक्सिमम एंड फोर्सफुल इंस्पायरेशन, अधिक से अधिक फोर्सफुल इंस्पायरेशन हम जब करेंगे तो कितना अधिक अमाउंट ऑफ एयर हमारा लंग होल्ड कर सकता है उसको कहते हैं टोटल लंग कैपेसिटी, और इसका वैल्यू होता 5,200 to 5,800 mm, ठीक है, ये हो गया, बॉक्स में डाल दो फिगर को, ये वैल्यू को। अब दूसरा कैपेसिटी है जिसका नाम है वाइटल कैपेसिटी। अब वाइटल कैपेसिटी का मतलब क्या होता, इसको शॉर्ट फॉर्म में वीसी कहेंगे। ये देखिए हमारा ट्रक किया, यहाँ पर बायफर्केट हो गया, ये एक लंग हो गया, ये दूसरा लंग हो गया, है ना, ये इसको आप राइट लंग कह दो, इसको लेफ्ट कह दो, क्योंकि बड़ा है इसलिए इसको मैं राइट कह रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, वाइटल कैपेसिटी के अंदर हमने जितना मैक्सिमल इंस्पायरेशन किया, फोर्सफुली एक्सपायरेशन किया, तो जितना हम फोर्सफुली इंस्पायर करेंगे एयर उतना ही फोर्स से एयर एक्सपायर हो जाएगी, है ना, और इसको कहते हैं कैपेसिटी। इसका मतलब एक बात तो पक्की हो गई कि हम जितना फोर्स देकर इंस्पायर करेंगे उतना ही फोर्सिबली हमारा एक्सपायरेशन होगा, मतलब जितना ज्यादा ऑक्सीजन लगे उतना ज्यादा CO2 बाहर जाएगा, इसको कहते वाइटल कैपेसिटी। वाइटल है ये, मतलब उपयुक्त है, वाइटल माने उपयुक्त है, इसका मतलब टीएलसी अगर हम किए तो ऑटोमेटिक हमारा डीसी हो जाता है, इसीलिए उसको वाइटल कैपेसिटी कहा गया, राइट। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी expired after a maximum, after a maximum inspiration is known as VC, है ना, समझ गए VC बेटा, the maximum amount of air expired after the maximum inspiration, कितना अधिक का inspiration हुआ उतना अधिक का air expire होता है, तो इस घटना को कहते vital capacity। अब ये जो vital capacity है actually ये तीन प्रकार का combination है, तीन प्रकार के
वॉल्यूम का क्या क्या कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट पॉइंट, एक्चुअली इट इज अ टोटल ऑफ, एक्चुअली इट इज अ टोटल ऑफ आई आर वी प्लस ई आर वी प्लस टी वी। ये तीनों वॉल्यूम एक साथ अगर आ जाते हैं, है ना, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, ये तीनों वॉल्यूम एक साथ आए, तीनों का एडिशन हुआ तो वीसी का जन्म होगा। मतलब कितनी यूजफुल फिनोमेनन है। इसका मतलब अगर हम टीएलसी एवरी डे करेंगे तो ये एक, ये दो, ये तीन और ये चार, चार जो हमारे लंग के फैक्टर्स है, मतलब तीन वॉल्यूम और एक कैपेसिटी बढ़ गई। इसलिए अगर हमको टीएलसी करने को समय मिलता है तो हम जरूर करें, और सी बड़ी एयर को इनहेल्ड करें, मैक्सिमम एयर इनहेल्ड करें, और फिर इनहेल्ड करने के बाद हमारे लंग की कैपेसिटी ठहरी हुई है, निश्चित कैपेसिटी है 5200 ml से लेकर 5800 ml तक का ऑक्सीजन हमारे दोनों लंग होल्ड कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। अगेन हमारी इच्छा हुई तो हम इसको बढ़ा नहीं सकते हैं, है ना, मगर एक दिन में, दो दिन में, एक साल में नहीं बढ़ेगा, 7-8 साल उसको लगातार लगातार करते रहेंगे विदाउट एरिया, तो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि 6000 ml के आसपास हमारा टीएलसी बन जाता है। टीएलसी का जन्म वाइटल कैपेसिटी हुआ। वाइटल कैपेसिटी किसके कारण हुई? तीन वॉल्यूम के कारण। पहला वॉल्यूम आया, दूसरा ये तीनों को वैल्यू को अगर हम जोड़ते हैं, तीनों का एडिशन करते हैं तो वीसी मिलता है। हमारे पास तीनों के नॉर्मल वैल्यू भी है, है ना, अगर तीनों वॉल्यूम को हम एडिशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? सो नेक्स्ट पॉइंट, द नॉर्मल वैल्यू फॉर वीसी इज, द नॉर्मल वैल्यू फॉर वीसी इज 4100 to 4600 ml। ये इसका नॉर्मल वैल्यू है। किसका? बीसी का। टीएलसी कितना है? 5200 to 5800, है ना। सो टीएलसी में क्या करते हैं हम? मैक्सिमम एयर को इंस्पायर करते हैं, ओसी बनी, और वो एयर हमारा लंग होल्ड करता है, तो वो बन गया टीएलसी। कितना रहता? 5200 से 5800 ml। बीसी में क्या हुआ? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर इज एक्सपायर आफ्टर मैक्सिमम इंस्पिरेशन इज नोन एज वीसी। एक्चुअली वीसी इज अ सम ऑफ टोटल ऑफ थ्री वैल्यू, आईआरवी, ईआरवी एंड टीवी, एंड द नॉर्मल वैल्यू फॉर द वीसी इज 4100 to 4600। ये हो गए हमारे लंग के वॉल्यूम भी हो गए और लंग के कैपेसिटी भी हो गए। वॉल्यूम पढ़ा था हमने 5, कैपेसिटी पढ़ी हमने 2, है ना। तो ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, आपको डेफिनेटली पूछेगा, है ना, व्हाट आर द लंग वॉल्यूम एंड लंग कैपेसिटी, है ना। कभी कभी मैच द पेयर में पूछेगा, कभी फिल इन द ब्लैंक्स में वैल्यू पूछ लेगा वो, है ना। तो कभी कभी राइट नोट ऑन पल्मोनरी वॉल्यूम एंड पल्मोनरी कैपेसिटी। तो आइए थोड़ा सा, हम उस दिन मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन को स्टडी कर रहे थे, और हमारी मैकेनिज्म में 4 स्टेप आती है, इस बात को हमको स्टडी हो गया था। पहला स्टेप है ब्रीदिंग, उसके बाद एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हमने पढ़ लिया था, और बीच में ये वाइटल कैपेसिटी और लंग कैपेसिटी और लंग वॉल्यूम नाम का एक छोटा सा टर्म आ गया था, इसलिए हम तीसरी स्टेप को टच नहीं किए। तो आज हमारी रेस्पिरेशन की जो मैकेनिज्म है उसके अंदर की तीसरी स्टेप को स्टडी करते हैं, उसका नाम है इंटरनल रेस्पिरेशन। तो क्या 3500 to 4600 होना चाहिए ना अगर एडिशन किया ना, बताओ मेरे को। देखो टीवी 500 है, एक मिनट,
अच्छा पीवी कितना है? 500। कितना? 500। अच्छा आईआरवी कितना है? 2000 to 3000। तो सर पहले 2000 में 2 to 3 है, इसका मतलब 2 और 3 5, 5 / 2 मतलब 2500। सो हमारी तीसरी स्टेप पढ़ेंगे बेटा हम, क्या नाम उसका? इंटरनल रेस्पिरेशन। हमारी जो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन है उसमें 4 स्टेप आते हैं, 2 का स्टडी हो गया था, तीसरी स्टेप का स्टडी हम करेंगे इंटरनल रेस्पिरेशन। देखो इंटरनल हो रहा मतलब अंदर से हो रहा। वी नो वी हैव 2 main gases फॉर रेस्पिरेशन, हमारे पास 2 main gases है रेस्पिरेशन के, ये है CO2। इसको हम पहला प्रेफरेंस देंगे ना, क्योंकि पहले इंस्पिरेशन होता बाद में एक्सपिरेशन होता। तो ये 2 gases है बेटा, ये दोनों गैसेस का लेन देन हमारे बॉडी में चलता है, हमारे सेल में चलता है, और वो हमारी बॉडी की सेल है आरबीसी। कौन सी है वो? आरबीसी। हमारे ब्लड में 3 प्रकार के सेल होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी में आपको पता है कि आरबीसी के अंदर रेड कलर का हीमोग्लोबिन, और यही पिगमेंट गैसियस एक्सचेंज करने वाले में माहिर है। इसलिए भले ही हमारे ब्लड में 3 सेल है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, मगर डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट में गैसियस एक्सचेंज केवल आरबीसी का होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन है, क्योंकि वहां पर हीमोग्लोबिन है। तो हमारा ये जो इंटरनल रेस्पिरेशन चलता है, यहाँ पर ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, और वो एक्सचेंज हमारे ब्लड का एक मेन कंपोनेंट है जिसका नाम है आरबीसी। यही पर O2 लिया जाता और CO2 को वापस भेजा जाता, ऐसा हाईवे है हमारा आरबीसी हाईवे, है ना, नागपुर मुंबई हाईवे। एक तरफ से बंबई से आने वाले लोग नागपुर को लेफ्ट साइड से आएंगे, नागपुर से बंबई जाने वाले राइट साइड को जाएंगे, कभी इधर उधर बीच में से कट मारेंगे नहीं। कट मारने का कोशिश किया तो राम नाम। तो हमारे आरबीसी के अंदर दिन रात, डे बाय डे, आर बाय आर, मिनट बाय मिनट, सेकंड बाय सेकंड, ये दोनों गैस का सिस्टमेटिकली ट्रांसपोर्टिंग होते रहता है, कभी एक दूसरे में घुल मिल के नहीं मिक्स है। जिस दिन घुल मिल गए उस दिन गंगा बाई, है ना, राइट। द इंटरनल रेस्पिरेशन, द इंटरनल रेस्पिरेशन जनरली इन्वॉल्व्स, द इंटरनल रेस्पिरेशन जनरली इन्वॉल्व्स CO2, O2 and RBCs and RBCs, है ना, ये 3 component का participation internal respiration नाम की mechanism में होते हम देख सकते हैं। तो फिर सीधी सी बात है, हमको पहले ऑक्सीजन का कैसा ट्रांसपोर्टेशन होता आरबीसी में उसका स्टडी करना होगा, उसके बाद CO2 का कैसा डिफ्यूजन होता आरबीसी से बाहर उसका स्टडी करना होगा। तो यहाँ पर ये जो O2 और CO2 का जो एक्सचेंज है वो 2 अलग अलग स्टेप में होता है। सुनाया पढ़िए,
दिस मैकेनिज्म इज कैरीड आउट इनसाइड द प्लाज्मा, सही है क्या? दिस मैकेनिज्म इज कैरीड आउट इनसाइड द प्लाज्मा एज के अगेन डैश कैपिटल ए। पहला हम ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 का ट्रांसपोर्टेशन हम देख लेते हैं। इसके अंदर प्लाज्मा के अंदर कौन है? आरबीसी है। व्हाट आर प्लाज्मा? द फ्लूइड। सही है। प्लाज्मा आर स्ट्रॉन्ग कलर्ड फ्लूइड इनसाइड विच ब्लड सेल्स आर फ्रीली बाथिंग। ब्लड सेल आराम से नहा रहे होते, बहुत बड़ा समंदर है प्लाज्मा नाम का, है ना? और वो समंदर में हमारे तीनों ब्लड सेल नहा रहे होते हैं। तो हम पहले हमारा जो ऑक्सीजन है उसका ट्रांसपोर्टेशन प्लाज्मा में से आरबीसी के अंदर कैसा होता, उस बात को स्टडी करेंगे। तो ये जब ट्रांसपोर्टेशन का अभ्यास किया गया तो हमारा स्टडी एक बेहतर है। आउट ऑफ टोटल ऑक्सीजन ओनली थ्री परसेंट इज ट्रांसपोर्टेड इन डिजॉल्व स्टेट बाय प्लाज्मा एंड रिमेनिंग 97% इज ट्रांसपोर्टेड बाय हीमोग्लोबिन ऑफ आरबीसीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है बेटा नंबर वन। हमारा स्टडी हमको यह समझाता है कि भैया ये जो 100% ऑक्सीजन ये एक्स वाई जेड नाम का व्यक्ति ने इंस्पायर किया था, तो 100% में से केवल 3% ही ऑक्सीजन प्लाज्मा के जरिए ट्रांसपोर्ट किया जाता, क्योंकि केवल 3% ऑक्सीजन ही प्लाज्मा में डिजॉल्व हो चुका होता, बाकी 97% अनडिजॉल्व है। और बाकी का जो 97% ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है। किसका हीमोग्लोबिन? आरबीसी। फिर आपको एक सिंपल क्वेश्चन में पूछता, हम इतने सारे लोग बैठे हैं, है ना, समझो 8-10 लोग हैं हम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, है ना? और हमारा नॉर्मल हीमोग्लोबिन परसेंटेज होता है 14-15 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। ये होता है मेल में, और फीमेल में होता है 16-17 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। ये नॉर्मल वैल्यू है किसका? हीमोग्लोबिन का। और अब क्या हो गया कि हमको कोई कारण की वजह से हमारे डाइट के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं था, ध्यान नहीं था, आड़ा टेढ़ा डाइट हमने खाया, बहुत खाया मगर हीमोग्लोबिन युक्त नहीं खाया, दूसरा ही कुछ खाता रहा, है ना, हल्दीराम का जहर, है ना, हल्दीराम का जहर खाते खाते एक साल में 2 साल में हीमोग्लोबिन बन गया 7-9। क्या हो जाएगा बेटा वो पेशेंट? चक्कर आने लगेंगी, उसकी सांस सही ढंग की नहीं चलेगी, उसको धाप लगेगी, सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आया तो बोलेगा
अरे ऐसा क्या हो गया पता नहीं यार, मेरे को बहुत रेस्पिरेशन डिफिकल्टी हो रही। क्यों रेस्पिरेशन डिफिकल्टी हो रही? डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने ब्लड चेक करने को कहा, ब्लड में मिला हीमोग्लोबिन का प्रमाण 7:9। डॉक्टर ने बोला आपका हीमोग्लोबिन कम हो गया, आपका हीमोग्लोबिन बढ़ेगा तभी बीमारी सही हो जाएगी। उसको लगता मेरे को हार्ट अटैक आ गया क्योंकि रेस्पिरेशन नहीं चलता ना, है ना, बीमारी दूसरी। और उसको लगता सीना भरा भरा सा लगता, उसको लगता मेरे को हार्ट अटैक आ गया क्या की, है ना, वो साइको हो जाता, मेरे को हार्ट अटैक आ गया, अटैक आ गया। अटैक नहीं है, रेस्पिरेशन प्रॉब्लम है। क्या है? हीमोग्लोबिन कम हो गया। जो हीमोग्लोबिन 97% ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है वही तो खत्म हो गया। तो ट्रांसपोर्टेशन कौन करेगा? फिर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो CO2 बाहर नहीं आएगा, फिर CO2 अंदर जमा रहेगा तो उसको रेस्पिरेशन डिफिकल्टी हो जाएगी। इसलिए जिस पेशेंट को चलते समय, सीढ़ियां उतरते समय, चलते समय, काम करते समय ज्यादा अगर धाप लगती है तो समझ लो कि आपका हीमोग्लोबिन परसेंटेज कम हो गया, है ना। तो हीमोग्लोबिन परसेंटेज बढ़ाने के लिए मार्केट में बहुत सारे ड्रग्स भी है, मगर नेचुरल ड्रग आपको मैं बताता हूँ। एक गावरानी गुड़, गुड़ पता है, गावरानी गुड़, देशी गुड़ और कच्चे सेंगदाने एक मुट्ठी भर के, है ना, एक मुट्ठी में जितना सेंगदाना इतना सेंगदाना खाएंगे, है ना, एक मुट्ठी भर लेना है, एक मुट्ठी भर सेंगदाना और एक देसी गुड़ इतना एवरी डे अगर मॉर्निंग में आप ब्रश करने के बाद खाते हो तो एक हफ्ते में आपका हीमोग्लोबिन नॉर्मल हो जाएगा, है ना। उसके बाद पेड़ खजूर, गीला पेड़ खजूर, है ना, उससे भी आपका हीमोग्लोबिन एकदम नॉर्मल हो जाता है। सो देखो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट पड़ रहे हैं, तो 100 में से कितना परसेंट ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता प्लाज्मा के द्वारा? 3%। किस स्टेट में होता? रिजोन से। और हीमोग्लोबिन कितना परसेंट करता? 97%। उसके बाद दस हीमोग्लोबिन एक्ट्स एज ए, दस हीमोग्लोबिन एक्ट्स एज ए रेस्पिरेटरी कैरियर, सही है क्या? दस हीमोग्लोबिन एक्ट्स एज ए रेस्पिरेटरी कैरियर, इसमें हीमोग्लोबिन को रेस्पिरेटरी कैरियर कहा हमने, क्योंकि 97% ऑक्सीजन को कैरियर ऑन करता भाई, ट्रांसपोर्ट करता है ना, बाकी इतना कैरियर करने की क्षमता किसी के अंदर नहीं है। नेक्स्ट नंबर, दिस हीमोग्लोबिन, ये जो हीमोग्लोबिन है, दिस हीमोग्लोबिन हैज स्ट्रॉन्ग एफिनिटी, हैज स्ट्रॉन्ग एफिनिटी, ये हीमोग्लोबिन का अट्रैक्शन, एफिनिटी मतलब अट्रैक्शन, दिस हीमोग्लोबिन हैज स्ट्रॉन्ग एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रति इसका बहुत ज्यादा लगाव होता, बहुत ज्यादा आकर्षण होता, इसलिए हीमोग्लोबिन हमेशा हमेशा किसके साथ कॉम्बिनेशन ऑक्सीजन। सो हीमोग्लोबिन हैज स्ट्रॉन्ग एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन टू फॉर्म, टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और फिर हीमोग्लोबिन का कॉम्बिनेशन ऑक्सीजन के साथ हुआ तो एक नया कंपाउंड फॉर्मेशन होता, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऐसा होता। रिएक्शन लिख लो यहाँ पर, ये हीमोग्लोबिन प्लस O2 इज इक्वल टू HbO2। What is HbO2 बेटा? ऑक्सीहीमोग्लोबिन, ठीक है। उसके बाद अब ये जो ऑक्सीजन का और हीमोग्लोबिन का कॉम्बिनेशन हुआ और ऑक्सी हीमोग्लोबिन नाम का जो कंपाउंड फॉर्म हुआ, ये कंपाउंड फॉर्म होने के लिए कुछ फैक्टर्स डिपेंड होते हैं। ये कंपाउंड फॉर्म इज डिपेंड अपॉन सम फैक्टर्स, कौन से नया, दिस फॉर्मेशन ऑफ
दिस फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन depends upon certain factors like कौन से फैक्टर के ऊपर ये कॉम्बिनेशन निर्भर होता है, लाइक क्या दे डैश करेंगे हम, सबसे पहला लाइक नंबर वन, पहला फैक्टर ये होता है कि हीमोग्लोबिन का एंड ऑक्सीजन का जो रेशो है वो रेशो इक्वल होना जरूरी है, राइट। एच बी एंड ओ टू रेशो मस्ट बी इक्वल, ये इक्वल होना जरूरी है तब वो कंपाउंड फॉर्मेशन होगा, नहीं तो हीमोग्लोबिन ज्यादा है ऑक्सीजन कम है हीमोग्लोबिन नेवर फॉर्म, या ऑक्सीजन ज्यादा है हीमोग्लोबिन कम है तो भी वो कंपाउंड फॉर्मेशन ऑक्सी हीमोग्लोबिन नाम का कंपाउंड फॉर्मेशन अगर होना है तो सबसे पहली एसेंशियलिटी ये है बोथ एलिमेंट्स मस्ट बी इन इक्वल रेशियो और इक्वल रेशियो। दूसरा 100% सैचुरेशन, 100% सैचुरेशन इज नॉट पॉसिबल, मगर यह बात भी सही है भले ही दोनों का रेशियो इक्वल होना जरूरी है मगर 100% सैचुरेशन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि 97% ही देता है। हाँ, क्योंकि कभी ऑक्सीजन कम रहेगा तो हीमोग्लोबिन ज्यादा रहेगा, या ऑक्सीजन वो ज्यादा रहेगा तो दूसरा कम रहेगा, इसलिए 100% सैचुरेशन कभी भी पॉसिबल नहीं है, बट 90 से अबो सैचुरेशन मस्ट बी देयर। हां, दो हो गए। तीसरा फैक्टर है द मैक्सिमम सैचुरेशन इज 95 to 97% इन द अल्वियोलाय, हमारा शरीर कहता है कि 100% सैचुरेशन तो कदापि पॉसिबल नहीं है, बट हमारा अल्वियोलाय नाम का जो साइट है जहाँ पर चीप गैसियस एक्सचेंज होता है वो अल्वियोलाय में लगभग 95 से 97% तक सैचुरेशन हम इस्टेब्लिश कर सकता केवल अल्वियोलाय। पूछो क्यों? क्योंकि अल्वियोलाय के पास का जो कंसंट्रेशन है ऑक्सीजन का और एयर का, ऑक्सीजन का और हीमोग्लोबिन का, वो 100 mmHg होता है। नेक्स्ट नंबर, दस द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द अल्वियोलाय इज अराउंड 100 mmHg। उसके बाद चौथा पॉइंट, हमारा स्टडी ये कहता है कि जैसा जैसा हमारा सैचुरेशन पॉइंट डिक्रीज होगा, इसका मतलब क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीजेस द
decreases the saturation point. Decreases the saturation point. Therefore, at 30 mmHg. Therefore, at 30 mmHg of partial pressure of oxygen. देखो, अभी अभी हमने इसके पहले एक सेंटेंस लिखा, वहां पर ये लिखा कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीजेस द सैचुरेशन पॉइंट विल आल्सो डिक्रीजेस. इफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीजेस सैचुरेशन पॉइंट विल आल्सो इंक्रीजेस. इसका मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट सैचुरेशन पॉइंट बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना. अब हमारा स्टडी ये कहता है कि यदि हमारे बॉडी का पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है 30 mmHg है, तो इतने पार्शियल प्रेशर में हमारे बॉडी में 50% सैचुरेशन हो जाता है. कितना हो जाता है 50%. राइट, तो क्या लिखा हमने 30 mmHg ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. द सैचुरेशन रेट The saturation rate will be 50%. मतलब आज सब हम ये पूरा विश्व में जितने भी मानव है, मानव की बात कर रहे हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारी मानव की चल रही है, तो जितने भी मानव है वो मानव का सैचुरेशन पॉइंट कितना है 50%. ये कैलकुलेट करते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के निर्भर के. ठीक है, कंफर्म वैल्यू है ये 30 mmHg. अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है हमारे बॉडी के टिश्यू में, हमारे बॉडी के टिश्यू में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 30 mmHg है, तो उस समय हमारे बॉडी का सैचुरेशन पॉइंट रहता है नॉर्मल है. मतलब हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन ले रहे हम केवल कितना परसेंट लेते हैं 50%. कितना परसेंट 50%. इसको कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन. अब इसके साथ साथ ये ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन हुआ और ये जो सैचुरेशन पॉइंट बना, इसके आधार के ऊपर कुछ छोटे छोटे दो टर्म्स है, अलग से आपको पूछेगा दो मार्क के लिए. ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, स्मॉल हेडिंग ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, दो मार्क का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है. ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, व्हाट इज ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व. एक ग्राफ, एक छोटा सा ग्राफ लेना है आपको. Gracias.
ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर। अभी अभी हमने देखा हीमोग्लोबिन हैज स्ट्रांग एफिनिटी अगेंस्ट द ऑक्सीजन एंड दे रेडियली कंबाइन विद वन अनदर टू फॉर्म द ऑक्सीहीमोग्लोबिन, ठीक है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन द सैचुरेशन और कॉम्बिनेशन डिपेंड्स, है ना। सो मैक्सिमम सैचुरेशन ऑकर्स इन द एल्वियोलाई because the partial pressure of oxygen in the alveoli is there about 100 mmHg, right? Moreover, we can say that as the partial pressure of oxygen decreases, the saturation point also decreases and vice versa. उसके बाद हमने ये भी पढ़ा at 30 mmHg of the partial pressure of the oxygen, the saturation percent will be 50%. तो ये घटना को स्टडी करने के लिए दो साइंटिस्ट थे, एक था बोर और दूसरा साइंटिस्ट थे हाल्डेनी। ये दो साइंटिस्ट ने इस घटना का अभ्यास किया और अभ्यास करने के बाद एक छोटा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमको दिया और उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का नाम है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। किसने डेवलप किया? बोर एंड हाल्डेनी। तो लोगों ने पूछा, बोर एंड हाल्डेनी सर, यू आर पुटिंग अ न्यू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रिगार्डिंग द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन एंड दैट रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। सो व्हाट इज एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दिस? तो सर ने कहा, सपोज this line that is horizontal line you might have considered in your mind as a x-axis. इसको आप x-axis consider करो, लोगों ने क्या कर लिया। इसके ऊपर बोले मैंने ये जो स्केल लिखा है, ये स्केल क्या इंडिकेट कर रहा है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इंडिकेट कर रहा है। ऊपर वाला जो वर्टिकल लाइन आप देख रहे हैं उसको आप y एक्सिस कंसीडर करो, लोगों ने कहा कर लिया। y एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बोले सैचुरेशन पॉइंट रिप्रेजेंट करता है।
सैचुरेशन पॉइंट मतलब परमिनेशन ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन, है ना। तो यहाँ पर जैसा जैसा पार्टिशन प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का बढ़ते बढ़ते जा रहा, वैसा वैसा सैचुरेशन पॉइंट भी बढ़ते बढ़ते जा रहा, ये बात सही है। तो अगर हम ये ग्राफ निकालते हैं बिटवीन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अगेंस्ट द सैचुरेशन पॉइंट, देन वी ऑब्टेन डिफरेंट कर्व्स। दैट कर्व माइट बी शिफ्टेड एट राइट हैंड साइड और दे मे बी शिफ्टेड एट लेफ्ट हैंड साइड, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज एंड दैट कर्व आर कॉल्ड एज ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। अब राइट साइड में कब शिफ्ट होती है और लेफ्ट साइड में कब शिफ्ट होती है, ये दोनों साइंटिस्ट ने अपने अपने योगदान दिए। नहीं जाएगी, उसका फैक्टर है ना, फैक्टर के ऊपर डिपेंड होता है, राइट। पॉइंट नंबर वन, व्हेन वी प्लॉट अ ग्राफ, व्हेन वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन सैचुरेशन पॉइंट एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। देखो बेटा, व्हेन वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन सैचुरेशन पॉइंट एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, then we get different curves, which are shifted towards right hand side RHS or लेफ्ट हैंड साइड इज नोन एज, तो इसे क्या कहेंगे हम, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। फुल स्टॉप। तो ये जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है, एक कंसेप्ट किसने डेवलप किया, नया पॉइंट। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, दिस ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व वाज डेवलप्ड बाय बोर एंड हाल्डेनी। लोगों ने पूछा, बोले सर ये जो कर्व यहाँ पर मिलती वो कैसी है, तो बोले आप इसको बहुत बार देख चुके हो, इस कर्व को आप बहुत बार देख चुके हो, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपने पढ़ा। तो ये जो कर्व होती है वो जनरली सिग्मॉइड और यस This curve is generally sigmoid or S shape. Sigmoid or S shape. फिर लोगों ने पूछा, बोले हल्डेनी सर, बोहर सर, अभी हमने कहा कि ये जो कर्व है, बोले इसकी कोई गारंटी नहीं है, कभी बोले वो राइट साइड के तरफ झुक जाती है तो कभी, तो ये बताओ बोले राइट साइड के तरफ कब झुकती और लेफ्ट साइड के तरफ कब झुकती। नया पॉइंट, द कर्व्स आर शिफ्टेड एट राइट हैंड साइड ओनली वेन नंबर वन, ओनली वेन द
increase. Hydrogen ion concentration. जब हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता तब उसके बाद दूसरा इंक्रीज इन द इंक्रीज इन द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज इन द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दो तीसरा राइज इन टेम्परेचर और चौथा फैक्टर चौथी बात ये होता है हमने राइज इन डीपीजी राइज इन डीपीजी ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस डीपीजी का फुल फॉर्म ब्रैकेट में लिख लो डीपीजी का फुल फॉर्म डाइफॉस्फोग्लाइसीरेट और यहाँ लिखो दीज फैक्टर ये जो फैक्टर है लोअर्स द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टुवर्ड्स ऑक्सीजन देखो इधर थोड़ा फिर वो दोनों ने कहा था कि बोले ये जो कर्व है भैया इसकी कोई गारंटी नहीं कभी बोले राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगी कभी बोले लेफ्ट साइड की तरफ कभी बोले लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगी तो लोगों ने पूछा बोले लेफ्ट साइड की तरफ कब और क्यों राइट साइड की तरफ कब और क्यों ये बताओ तो सबने कहा ये बोले जब राइट साइड के तरफ शिफ्ट होती ये डायग्राम अभी राइट साइड शिफ्टिंग की बताया है तो ये कर्व हमको तब मिलता जब हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा हुआ होता टिश्यू में एक पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी टिश्यू में बढ़ा हुआ था दो टेम्परेचर भी बढ़ा रहता तीन एंड डीपीजी नाम का जो कंपाउंड है जो ग्लाइकोलिसिस के दौरान डेवलप होता उसका भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा हुआ होता तब तो बोले क्यों ठीक है बोले एक दो तीन चार फैक्टर बढ़ गए हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 भी बढ़ गया टेम्परेचर भी बढ़ गया डीपीजी नाम का कंपाउंड का कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ गया इसके बोले कर्व शिफ्टिंग हुई राइट साइड के तरफ मगर क्यों 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 तो बोले इतने सारे घटक जब एक साथ आ जाते हैं तो ये घटक जाकर ये जो हीमोग्लोबिन नाम का कंपाउंड है उसका जो नेचुरल आकर्षण था ऑक्सीजन के प्रति वो कम कर देते हैं तो क्या कर देते हैं सो ऑल दीज फैक्टर लोअर्स द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टुवर्ड्स ऑक्सीजन एंड देयरफॉर द कर्व इज शिफ्टेड टुवर्ड्स द राइट साइड अब लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होना मतलब क्या होता है पैराग्राफ की The curves shifted at left hand side only when decrease hydrogen ion concentration
डिक्रीज हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। डिक्रीज क्या पता, डिक्रीज इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, उल्टा करना है इंक्रीज इन CO2। हाँ एक पैसा करो, नहीं तो डिक्रीज इन द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 CO2, इंक्रीज हो रहा ना तो डिक्रीज होगा ना दूसरा गैस। सो इंक्रीज इन द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इंक्रीज हो रहा बीपी और CO2 तो उसमें डिक्रीज होगा। यहाँ पर क्या इंक्रीज हो रहा, मतलब क्या डिक्रीज हो गया, बीपी CO2 O2 डिक्रीज हो गया ना। इसका उल्टा करूंगा मैं तो क्या लिखूंगा, इंक्रीज होगा बीपी O2, वो इंक्रीज होगा ना इसमें डिक्रीज हुआ, ये इंक्रीज हो गया तो यहाँ पर ये डिक्रीज हुआ ना बेटा। तो क्या लिखेंगे आप फिर, अभी डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 दो हो गए। तीसरा डिक्रीज इन द टेम्परेचर। चौथा डिक्रीज इन द डीपीजी। और नीचे लिखो दीज फैक्टर increases the affinity of किसके साथ, HB towards oxygen O2, HB towards O2। ये था oxygen dissociation का। इसके बाद चलो होमवर्क ले लो। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन नंबर 1 PLC, नंबर 2 VC, उसके बाद व्हाट इज द सैचुरेशन पॉइंट व्हेन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज, व्हाट इज द सैचुरेशन पॉइंट व्हेन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज अबाउट 30 mmHg। दूसरा क्वेश्चन, नेम द कंपाउंड व्हिच फॉर्म आफ्टर द name the compound which form after the combination of hemoglobin and oxygen, combination of hemoglobin with oxygen, uske baad write note on ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर, उसके बाद राइट नोट ऑन
transportation of O2. Write note on transportation of O2. That's all. स्टेट बोर्ड के लिए यहाँ पर कितने बजे अभी एंट्रेंस स्टार्ट करेंगे हम?